आज हम आपको चाटुकारिता के ऐसे ऐसे नमूने दिखाएंगे। रूबिका, बिहेव योर सेल्फ, डू नॉट क्राई। इससे बड़ी चाटुकारिता क्या हो सकती है? नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है, जहां आपको गोदी मीडिया का सच दिखाया जाता है। तो पहले क्लिप में हम देखेंगे कि क्या होता है जब अंजना दीदी के चैनल पर आम लोग आकर उनको सच का आईना दिखाते हैं और पूछते हैं कि मोहतरमा, आपके चैनल ने असल मुद्दों पर कितनी कवरेज की है। तो हमारी अंजना ओम कश्यप को कैसे मिर्ची लग जाती है? रोजगार के मुद्दे पर सरकार से पहले हम मीडिया से पूछना चाहते हैं कि आपने रोजगार के मुद्दे पर कितना बहस किया है। तो जिस किस्म के सवाल का जवाब आता है, उस किस्म का सवाल कर मुझसे, साले तू माफ करना, मैं गुस्से में दो दिन निकल जाता हूँ। कार ही तो सुबह से रात तक टॉपिक चल रहा है, कार ही तो सुबह से रात तक टॉपिक चल रहा है। जहाँ भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। आपको मंच क्यों मिल रहा है? चुनाव के दौरान ये छुटपुट रोजगार की, जो छुटपुट नहीं हो रहा, आपकी बातें छुटपुट है। जैसे कि आप सबको पता है कि अखिलेश यादव जो अक्सर ही गोदी मीडिया की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं, इस क्लिप में हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने हमारे योगी के पालतू गुल्लू के लिए बिस्कुटों का इंतजाम करवाया। तो मैं मुख्यमंत्री जी से याद दिलाना चाहता हूँ कि वो अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट जरूर लेते जाएं। जो गुल्लू इंतजार कर रहा है गोरखपुर में, कम से कम जब जाएं यहाँ से वापस तो गुल्लू के लिए बिस्कुट जरूर लेते जाएं। चले गए काले कानून के, नहीं चले गए। और बाबा जी ने तो हवाई जहाज की टिकट भी बुक कर ली 11 तारीख की। हम कहेंगे बाबा जी, जब घर जा रहे हो तो गुल्लू के लिए बिस्कुट भी लेते जाना। ये गुल्लू जानते हो कौन है? बाबा जी का एक प्रिय जानवर, वो भी है। वाह मोदी जी, वाह वाह, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। आप ये ट्वीट देखें और हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं कि ऐसे ट्वीट करने वाले निष्पक्ष ईमानदार इंसानों को आप पत्रकार कह सकते हैं? हम तो नहीं कह सकते। पत्रकारों का काम है सच को जनता के सामने लेकर आना, ना के लोगों को धर्मों में बांटना और रूलिंग पार्टी की जूतियां सीधी करना। अगला क्लिप जिस भी व्यक्ति ने एडिट किया है, बहुत ही खूब तरीके से किया है। आप भी इस क्लिप को देखकर हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे। इस क्लिप में हमारे यूपी के सीएम योगी जी हमें कैसे हंसाने का प्रयास करते हैं। देखें कैसे योगी को अपने देशवासियों के स्वास्थ्य की इतनी चिंता है कि वो हमें खुद हंसाने का कार्य कर रहे हैं। गरीब के लिए शौचालय न बने, तू है कौन रे? आप लोग अकेले के लिए चूसते हैं। मुंह मत खोल, एक बार मौत के मुंह से निकल के आ गए, बहुत मुश्किल है। अगर मेरा देश प्रगति कर रहा है, हम भी प्रगति कर लेंगे। साले तू ढोलकिया है क्या? मैं एक सन्यासी हूँ। क्या करूँ, नहा हूँ जल्दी से। एक्टिंग है, अब समझ में आया होगा। कुछ भी हो, हमें जल्दी से एक कमरे की चाबी दे दीजिए, एक नंबर लगी है बड़ी जोर से। मालूम है साला, आतंकवादी उसामा बिन लादेन यही छुपा हुआ है, लेकिन साले सब पैसा हजम करना चाहता है। तेरी माँ का, तेरी बहन का, तना साले। बबुआ क्यों नोटबंदी का विरोध करता था? साले रिश्वत खा के पैसा कमाया है, साले तू मरेगा नहीं, तू सड़ेगा। कोई पैसा नहीं मिलता था। इतना भव्य कार्यक्रम चल रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया है। ये रेलवे की हड़ताल कब खत्म होगी? बहुत दिन चलेगा नहीं ये। चुप कर बे कुत्ते, डबल इंजन की सरकार है। तो किसी कमीने की मौत की शादी मैयत हो रही होगी, वहीं से उठा के इसके सर में मार देंगे कमीने के। हम लगभग 300 करोड़ रुपए देंगे। हम लोग महीने में 2 बार हर गरीब को फ्री में राशन देंगे, 1 किलो दाल भी देंगे, 1 किलो खाद्य तेल भी उपलब्ध कराएंगे, 1 किलो नमक भी उपलब्ध कराएंगे। चोली मिल सकता है क्या?
मजा आया। अगले क्लिप में हम देखेंगे कि कैसे जब चोपड़ा साहब बीजेपी के प्रवक्ता बनकर आसिम वकार से गठबंधन पर प्रश्न कर रहे थे तो कैसे आसिम वकार ने चोपड़ा के पसीने छुटवा दिए। अरे सुनिए सर, हमारा गठबंधन किससे है? आपके चैनल गठबंधन मोदी जी से है। आप भी तो गठबंधन में बैठे हैं, आप भी तो ईमानदार पत्रकार हैं देश के जी जी। जिसकी लिस्ट में नाम है। पॉइंट पर आइए ना, इधर उधर क्यों जाते हैं? पॉइंट पर आइए। आदिल नाहिद हसन, आप क्यों परेशान हो रहे हैं सर? कॉप कह रही हूँ। अच्छा, आज की डिबेट लाने का पैसे कितने मिले? हैं जी, पैसे कितने मिले खाली? जब तुम पजामे पे उतरोगे तो तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। पैसे कितने मिले भाई? पैसा हो तो क्या कुछ नहीं होता। जब तुम पजामे पर उतरोगे तो तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। क्यों सईदा सिंह बकार, क्यों सईदा सिंह बकार अपना चेहरा दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं? गजब बेइज्जती है। अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हैं। अगले क्लिप में हम देखेंगे कि जब गोदी मीडिया की एंकर लाइव न्यूज डिबेट पर धर्मों को बांटने का प्रयास कर रही थी तो कैसे आसिम वकार ने उनको सिखाया कि ऐसी हरकतें पत्रकारों को शोभा नहीं देती। लोकतंत्र, कई लोग तो कहते हैं भारत में लोकतंत्र है ही नहीं, तानाशाही आ गई, इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं सर। अगर हिंदुओं को घर छोड़कर जाना पड़े तो सर तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आता, तब बात इतना हल्की हो जाती है क्योंकि वो हिंदू है। थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो जरा उपयोग करो। मैडम, बहुत अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री जी हिंदू, गृह मंत्री जी कट्टर वाले हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, विदेश मंत्री हिंदू, सारे वो मंत्री आपके हिंदू, जिला अध्यक्ष हिंदू, पुलिस कमिश्नर आपके हिंदू, और उसके बाद भी अगर आप हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही, हिंदू खतरे में है, तो फिर आप अपना जो है वो क्या बोलते हैं उसको, इलाज करा लीजिए। अगले क्लिप को देखकर हमें भी हैरानी होती है कि मुगलों ने भारत को लूटा या नहीं, पर ऐसे घटिया पत्रकारों ने जरूर इंडिया को लूटा है, जिनको धर्मों के अलावा कुछ नजर नहीं आता और जिनको आज के लोगों की नहीं पड़ी बल्कि आज से 400-500 साल पहले के लोगों की चिंता सता रही है। डॉक्टर समित पात्रा साहब ने बहुत खूबसूरती से कहा कि हम नाम बदलेंगे। बिल्कुल बदलिए सर, बिल्कुल बदलिए, लेकिन इसका जवाब भी आज टीवी पे देके जाइएगा कि खाली नाम बदलेंगे या उनकी बनाई हुई इमारतों पर बुलडोजर भी चलाएंगे? कैसे इमारतें तो खड़ी रहेंगी ना, वो तो चढ़ाएंगी ना, आ गए ना उसी बात पे जिसको चढ़ाएंगी ना, कि नहीं नहीं चढ़ाएंगी समित पात्रा को ना, वो समित पात्रा को चढ़ाएंगी ना। अरे तुम तो नाम बदल रहे थे, मुझे भी तो गिराओ। चढ़ाएंगी, चढ़ने दीजिएगा ना। नहीं, अरे आप उन इमारतों की आड़ में नाम के बोर्ड भी बचा के रखना चाहते हैं ना सर? आप उन इमारतों की आड़ में नाम के बोर्ड बचा के रखना चाहते हैं? बुलडोजर चला रहे हैं लाल किले पर, कब बुलडोजर चला रहे हैं ताजमहल पर, कब कुतुब मीनार को धराशायी कर रहे हैं, ये भी तो बताना चाहिए ना। ये भी मुगलों की निशानियां हैं, ये मुगलों की निशानियां हैं, तो चढ़ाएंगे इनको। तो आप कुल रहिए मौलाना साहब, आप औरंगजेब के नहीं, मोहम्मद बिन कासिम के भी मौला रहिए, डंके की चोट पर महमूद खतरा, यही बात महमूद खतरा भी, आप जैसे लोगों की यही बात बाकी सारे मुसलमानों को शक के दायरे में लाती है, जो देश को लूटने वालों की, उनकी औरतों की इज्जत लूटने वालों की पैरवी करते बैठे हैं। दलाली करने वाले कुछ भी कह के चले जाएं, पैरवी करते हैं उनकी, अंग्रेजों की दलाली करने वाले कुछ भी कह के चले जाएं, आपके ऊपर निशाना साध रहे हैं, दीजिए जवाब संगीत रागी, कहते चले जाएं उससे हिंदू संगीत रागी नहीं होता। आप हमने अगर कह दिया कि हम औरंगजेब ने इस देश की औरतों की इज्जत लूटी, हमारी थिंकिंग में सवाल, लेकिन आप उनकी पैरवी करते हैं, आप देश के सामने है और दुनिया देख रही है, जिसने देश की इज्जत लूटी उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? जिसने देश की इज्जत, अब ये फिल्मी डायलॉग देना बंद कीजिए, आप सच्चाई बता। ये दोगल ट्वीट्स हैं कर्नाटका के एजुकेशन मिनिस्टर के, जिसमें एक तरफ तो वो एक धर्म को टारगेट करके उनके हिजाब उतरवाते हुए नजर आते हैं क्योंकि स्कूल्स में धर्म के लिए जगह नहीं होती, तो दूसरी ओर कहते हैं कि भगवत गीता सिर्फ हिंदू लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए है। और जी हाँ, अंत में हम हमारे सर्कस के टॉप परफॉर्मर अर्नब गुण स्वामी को देखेंगे जो दूसरे चैनलों की ओर अपनी उछल उछल के कैसे बेइज्जती करवाते हैं। CNN News 18 Newsroom, hear me. This is Arnab Goswami speaking to you. Republic is 230% bigger than your channel. Hip hip, hip hip, hip hip. And now to the channel called India Today. India Today, which dared to question our viewership, Niranjan. People in the India Today Newsroom, hear me. Hear me loud and clear. This is Arnab Goswami here. India Today Newsroom, hear me. We are 270% bigger than you. Clever B. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Celebrations all around, ladies and gentlemen. This is brilliant. This is wonderful. This is electric. This is a victory. This is a vindication.
And I want to tell someone in the Republic, from the Republic TV newsroom, to the turncoats who thought they walk in my shoes. Turncoats, face your newsroom now. You will never walk in my shoes. I carried my shoes with me. Go and ask Parambir to find you a fresh pair of shoes. Hip hip hooray for the Republic Media Network. This is brilliant. This is historic. This is the rebirth of a brand. This is a brand I want to tell you all today in the newsroom. Please hear me. This is a brand which has been challenged. This is a brand which has been questioned. These are people whose integrity has been questioned. We have been called scamsters. We have been called thieves. We have been called money launderers. And I want to tell everyone, everyone in these newsrooms today, don't you dare point a finger. Here and henceforth. If you like our channel, please subscribe. And to get notifications about news, please click the bell icon.